हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में रिकॉर्ड्स को चेंज करने के लिए, डिलीट करने के लिए अल्टर का प्रयोग कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो इसके पहले एसक्यूएल सर्वर में भी दिखा चुका हूं कि कैसे अल्टर का प्रयोग करना है। आज ये टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है, तो आज के इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में देखेंगे कि अल्टर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो एसक्यूएल व्यू में जाकर के हम ये काम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के साथ ही एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का वर्जन इस्तेमाल किया वो 2019 वर्जन है। यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे करना है क्लिक, और यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्रिएट पर कर देना है क्लिक। इसको हटा करके क्रिएट पर कर देता हूँ क्लिक। यहाँ से व्यू पे जाएंगे और डिजाइन व्यू पे जाएंगे और यहाँ ये टेबल आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इस टेबल को क्लोज कर देते हैं, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं। तो अभी हमें क्या करना है, सीधा सीधा इसको भी डिलीट करता हूं, ये जो टेबल हमने बना लिया। अब सीधा सीधा क्या करना है, क्रिएट पे जाना है और यहां से आ जाना है क्वेरी डिजाइन पर। तो क्वेरी डिजाइन पे आते ही आपको यहां पे एसक्यूएल दिखाई पड़ेगा, यहां पे एसक्यूएल व्यू दिखाई पड़ेगा। यहां पर आ जाता हूं, यहां पे एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाने का जो कोड होता है क्रिएट टेबल, वो मैं लिख देता हूं। आपको सेम यही कोड टाइप करना है और टेबल का नाम दे देता हूं। लाइक मैं यहां पे टेबल का नाम देता हूं प्रोडक्ट, तो यहां पे लिख दिया मैंने प्रोडक्ट और ये टेबल का नाम है। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहां पर सबसे पहले क्या देना है, तो यहां पे मैं दे देता हूं प्रोडक्ट नेम। तो ये मैंने लिख दिया प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, तो प्रोडक्ट नेम हमने दे दिया। और ये किस प्रकार का डेटा टाइप होगा, तो यहां पे कर देता हूं कैर डेटा टाइप। ये कैर टाइप का डेटा टाइप होगा और 20 कैरेक्टर्स इसमें आ सकते हैं, ये मैंने दे दिया कॉमा दे दिया। एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे जैसे ही आएंगे तो यहां पर हमें क्या देना है, प्रोडक्ट की प्राइस देनी है। तो यहां पे प्राइस लिख दिया हमने, और प्राइस कौन सा डेटा टाइप होगा, इंट लगा देते हैं तो भी हो जाएगा काम आपका। तो ये इंट डेटा टाइप हमने कर दिया। ठीक है, इसके बाद कॉमा देंगे, नीचे आएंगे। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पर अब हमें यूनिट देनी है, तो यहां पर लिख दिया यूनिट। और यूनिट कौन सा डेटा टाइप होगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं फ्लोट डेटा टाइप। तो यूनिट जो होगा वो होगा फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप देने के बाद एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद क्या करना है, मान लीजिए कि अब आपको कुछ नहीं देना है, बस इतना ही देना है, तो यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई कॉमा नहीं देना है, जबकि यहाँ इन सब में आपने कॉमा दिया हुआ है। और यहां से इसको सेव कर लेता हूं। तो ये क्वेरी वन है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट क्यू के नाम से सेव करता हूँ, प्रोडक्ट क्वेरी। तो ये प्रोडक्ट क्यू दे दिया हमने और एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे ये तैयार होके आ गया है हमारा टेबल। ठीक है, तो अब इसको यहां से क्लोज करता हूं और जब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, ये यस करेंगे, तो यहाँ पे ये टेबल क्रिएट होकर आ जाएगी और ये टेबल कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट का नेम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइस दे देंगे, लाइक कुछ भी प्राइस दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्राइस देंगे वो यहाँ आ जाएगा। और फिर यहाँ पे यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट जो है पॉइंट में भी आप दे सकते हैं। ठीक है, कैसे दे सकते हैं आइए दिखा देता हूं। पहले यहाँ लिख देता हूँ कीबोर्ड, ये कीबोर्ड कर दिया हमने, और इसकी प्राइस यहाँ पे रख देंगे जो भी प्राइस है। तो यहाँ पर आकर के इसकी प्राइस रख देता हूँ 210 रुपए, और यूनिट यहाँ 6 कर देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि शुगर है, तो शुगर यहाँ करता हूं। अब शुगर जो है इस दे देता हूं 40 रुपए किलो, और यहां पर आएगा यूनिट। तो मान लीजिए 4.5 किलो की बात कर रहे हैं, तो 4.5 लिख दिया तो ये एक्सेप्ट कर जाएगा। तो ये मतलब होता है फ्लोट का। ठीक है, तो यहाँ फ्लोट डेटा टाइप हमने दे दिया। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम अल्टर करना चाहते हैं। अल्टर किसको करेंगे, ये जो प्रोडक्ट क्यू बनाया और इसमें जो यहां पर हमने प्राइस दिया है इसे हमें अल्टर करना है, या फिर हमने जो यूनिट दिया इसे हमें हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे और फिर यहां से कहां चले जाएंगे, सीधा क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और यहां से इसे क्लोज कर देंगे। तो ये इस तरीके से आएगा और एसक्यूएल व्यू पे जाके अब यहां सेलेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे सिंपली हमें लिखना है अल्टर। तो यहां लिखता हूं अल्टर। अब देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको कैसे अल्टर करना है। ठीक है, हम ड्रॉप करवाना चाहते हैं। ड्रॉप किसको करवाना चाहते हैं, तो पहले टेबल का नाम देते हैं। तो टेबल, और टेबल का नाम क्या है, हमारे टेबल का नाम है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में से क्या ड्रॉप करवाना चाहते हैं, ठीक है, ये लिख दिया हमने प्रोडक्ट। अब देखिए ये प्रोडक्ट वाली टेबल है, ये देख सकते हैं इसमें प्रोडक्ट नेम है, यूनिट है, प्राइस है, सारी चीजें हैं। तो हम यूनिट हटाना चाहते हैं, तो कैसे हटेगा, तो यहां पर अभी हम क्वेरी बना ही रहे हैं, देख लीजिए यहां पर ये दे दिया हमने, फिर एंटर करके नीचे आते हैं। यहां पर मैं क्या करता हूं, ड्रॉप लिखता हूं। ड्रॉप कीवर्ड आपको लिखना है, ये ड्रॉप लिख दिया हमने। और यहां पर क्या देना, इसको थोड़ा कैपिटल में करते हैं, बढ़िया रहेगा, ड्रॉप। ठीक है, और ड्रॉप करने के बाद क्या करना है, कॉलम का नेम देना है। तो यहाँ पे COLUMN कॉलम, और कॉलम का नेम क्या है जिसको ड्रॉप करवाना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूं यूनिट, UNIT यूनिट को मैं ड्रॉप करवाना चाहता हूं। और यहां पर इसे टर्मिनेट कर दीजिए सेमी कॉलम देकर के। तो ये टर्मिनेट कर दिया, अब इसको सेव कर देता हूं। तो ये सेव कर रहा हूं, तो इसे मैं ड्रॉप के ही नाम से सेव कर देता हूं, DROP। तो ये देखिए ड्रॉप के नाम से सेव कर दिया हमने। और अब जब इस पर डबल क्लिक करेंगे
तो अभी इस क्वेरी को पहले क्लोज करना होगा हमको, तो यहां से पहले ये टेबल क्लोज करते हैं यस, और फिर यहां से ये क्वेरी भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब ये ड्रॉप पे डबल क्लिक करते हैं और अब हम देखते हैं यहां प्रोडक्ट, तो यहां पे आपको सिर्फ प्रोडक्ट नेम और प्राइस दिखेगी, यानी कि जो यूनिट बनाया हमने वो ड्रॉप हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं जो हमने यूनिट बनाया वो अब नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप अल्टर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बहुत ही आसानी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।